अब मुझे गंगा जी से एक गला पानी लेना चाहिए। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बंगाली सिंह जी एक से एक का मंदिर के लिए दे रहे हैं। तो बाबा भरी आवाज मेरे हृदय को छीन रही है। अब मुझे इससे ही सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे जल का घड़ा बढ़ ही आया, लेकिन इतनी ताकत नहीं है मेरे इस शरीर में जो कुछ इस बड़े को अपने सिर पर रख करके मालिक के यहां पहुंचा सकूं। अब मुझे इस प्रार्थना करनी है देवी। आप मेरा घड़ा उठाओगी? अरे मैं जरूर उठाऊंगी, आप घबराइए नहीं, मैं आपका घड़ा भी उठवाती हूँ। कौन तारा? तारा तारा मेरा घड़ा उठवा दो तारा। आज बड़ी क्या चिंता
तरह कुछ नहीं है। क्या बिठा लगी महारा मोही बदला यहाँ जली परिने कहो जी को गुजर गए दिन साठ अन्न नहीं खायो बस इसी सबब मेरो ये बदन सुखाए। प्राणनाथ आपका मालिक बहुत निर्दयी है आपको खाने को नहीं देता है। मेरे मालिक के बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा मालिक बड़ा देख है और लाखों में एक है। मैं सत्तू नित प्रत एक दुकान से लाऊं जे मन के भोजन जिस बत बनाओ एक आ जावे मोहताज न खाने पाओ और तुझमा आत्मा में उसकी तृप्त कराओ। से हाथ नहीं लगा सकती मैं ब्राह्मण का जल भर रही हूँ आप बंदी का जल भर जी। मैं आपको तरकीब बता सकती हूँ तरकीब मगर मैं आपके गड़ा से हाथ नहीं लगा सकती। तरकीब तुम्हें बतलाऊं क्यों घबराओ घट भरा हुआ जल के अंदर ले जाए करनो न पड़े बल से जी घड़ा उठाओ सत्य नष्ट जो मुझ पे घड़ा उठवाओ सत्य
आप मुझे तरकीब बता रही हो तरह? नहीं 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 ऐसा नहीं। एक दिन वो था कि मैं जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो मेरी प्रतीक्षा में राली तारा जल का लोटा लिए अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी, कब मेरे पति आएंगे, कब मैं पिलाऊंगी। लेकिन आज तो ये समय समय की बात है, तो समय समय को फिर ये समय बदलने में नहीं तू लगे जरा भी देर। तू समय समय को फिर है, तो ये समय समय को फिर है, तो समय समय की बात, तू काऊ समय के दिन बड़े, तू काऊ समय की रात। ये गम की दरिया में तिनके का सहारा न हुआ, ये हम हुए पर कोई हमारा ना हुआ। याद जब आता है कुछ दिल गुजर जाने के बाद, ये अपना कोई नहीं होता, तू अपनी बिगड़ जाने के बाद, ये तनक सहारो दे जा। तनक सहारो दे जा नार हमरी, और तू फिर चली जइयो अपनी काशी नगरी। तनक सहारो दे जा, तनक सहारा सहन करो गमार की सहिए, ये हारिए ना हिम्मत, ये बिसारिए ना हर को नाम, लाभ दो राखे प्रभु ताही देत रहिए। छोड़ चली मुझे मोड़ चली, और भावर हिसाब फिर जाता छोड़ चली, छोड़ चली ये छोड़ चली। छोड़ गई
ठीक है तारा, आज तुम मुझे बहाना बना करके चली गई, युक्ति शक्ति बना करके चली गई, लेकिन आज मैं अपने गौशाला में घाट लगा ही लेता हूं। कभी वक्त आएगा तो ये सभी घाट खुलेगी तारा। ठीक है चलता हूं। फोड़ दिया क्या? मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं देता। तुम्हारा शरीर दिन प्रतिदिन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? मालिक, आप बदस्तूर रोजाना मुझे खाना दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मेरा जो शरीर क्यों गिरता जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है अब तुमसे ये काम नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब तुम मणिकरण के घर चले जाएंगे। वहां क्या करना पड़ेगा? वहां जो भी चिता जलाने के लिए आए उससे कर का टका वसूलना होगा। मालिक, वहां शमशान भूमि तो अच्छी जगह है, वहां पर बड़े बड़े असहाय लोग आते हैं जिनके पास कर का टका क्या कच्ची कौड़ी भी नहीं होती। अगर कर का टका ना हो तो आधा कफन ले लेना। आधा कफन नहीं हो तो? अगर आधा कफन नहीं हो तो लाश को जलाने बहाने मत देना। ये हमारा हुक्म है। मेरी रह गई घट के घट में, अब हम जाए बसे पर घट में, अब हम जाए बसे पंडित जी नाराज हो जाएंगे। मुझे पूजा के फूल लाने हैं, जल्दी से जाओ बगीचे। हरिश्चंद्र का लड़का रोहतास बगिया में फूल लेने के लिए आ रहा है। अब मुझे सबका रूप धारण रखना चाहिए और उसको दसना चाहिए। अब बचने का में नहीं, जहर गया तन चाय, माता को मेरी खबर कौन सुनावे जा, पुत्र मां
भगवान अगर तू सच्चा है तो मेरे माँ बाप को बुला लो, मेरी माँ को बुला दो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे मुश्किल से गिरा है। अब मुझे इसकी मां को खबर देनी चाहिए, अगर खबर नहीं दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। अरे काओ दुखिया को लाल बाग में आज हो रहे हैं आवाज ये लगाए मुन जी रहे हैं आवाज रहे ही आवाज ये लगाई मुझे रहे ही आवाज। अरे कोई तारावती नाम की औरत है भैया? अरे है। आपका पुत्र क्या पुष्प लेने गया था? गया था, उसको क्या हुआ? तो ठीक है, उसको सर्प ने डस लिया है और माई मा करके चिल्ला रहा है, जाओ देखो उसको अपने पुत्र को। Thank you.
अपने पास बुला रही है। आप तारावती भक्त कल है तारावती अरी बाबरी अब न कुछ और रोने में बेगार मिट्टी के पुतले के तनी अफसोस रोती इस कदर जा गंग पर ले जा इसे विधवा शिक्रिया काज कर बेटा ही किसको बुलावे बोलने बाला तो छुआ गया कोई लेता जन्म कोई जाता अदम ये विद का व्यवहार है सिर धुनना छाती पीटना यह सब तेरा बेकार है। अरे बेटी जो इस धरा पर आया है एक दिन आप सबको जाना है राजा हो रंक हो भिखारी हो कोई भी हो नहीं जाएगा यहाँ सामने मणिकरण का घाट है गंगा पर इसको ले जाइए क्या दास संस्कार के रोने धोने में कुछ नहीं रखा है बेटा ले जाओ नहीं नहीं जालाला को जने मैंने Oh,
जाली को लिखी पिथी नूषण बसण पे मुझको मालूम थी
प्रावधान शमशान भूमि तेरा सन्नाटा नहीं जाता, हम तुम्हें अपनी जान दे दे करके आबाद करते हैं। जलता है शमशान पल पल, जलता है शमशान, जलता है शमशान पल पल, जलता है शमशान। जलता है संसार, ये आए बाप बेटे को लाया, माँ ने अपना लालू गमाया, आए बाप बेटे को लाया, माँ ने अपना लालू गमाया, जलता है शमशान, जलता है शमशान। चिताएं जल रही है, चिताएं जल रही है, इधर देखता हूं तो गांव का मरघट है और इधर देखता हूं तो गांव का परघट है। हे परमात्मा, इस शरीर से श्वास निकलने के बाद इस शरीर की क्या दुर्दशाएं होती हैं? किसी का पैर ही चिता से बाहर निकल रहा है, किसी का हाथ ही चिता से बाहर निकल रहा है, कोई अधजला छोड़ करके चला गया। लेकिन मरना भलो विदेश को, यहां ना अपनों को माटी खा जनाबरा, तो महामहु सब ही। परमात्मा, आज मेरा दिल क्यों धक धक कर रहा है? हे परमात्मा, क्या मेरे दिल की कली और भी मुरझाने वाली है? क्या मेरे दिल की कली और भी मुरझाने वाली है? हे मेरे परमात्मा, क्या मुसीबत और भी आने वाली है? आज मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैं मेरा रोहतास, मेरा रोहतास जाने कहां खेलता हुआ, जाने किसके साथ रहता हुआ। हे परमात्मा, मैं अपने रोहतास के बारे में मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, जैसे भी मेरा रोहतास हो, खुशहाल हो, उस पर दया करना परमात्मा। चलता हूं। हाय बेटा, मेरा बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, ये कौन कौन कौन? मुझे किसी देवी की आवाज मालूम पड़ रही है क्या? क्या इसका दुनिया में बिचारी का कोई नहीं है? अरे शमशान भूमि तो ऐसी जगह है जहाँ अपने हेतु मित्र रिश्तेदार आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आते हैं, लेकिन इस दुखिया का कोई नहीं। सुनाओ, महाभाग्य सुंदरी करका टका दर पे स्तर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर, स्मृतक को लेकर यहां बैठी हुई है, किस लिए पावे नगत करने यहां, तू कामनी बिन कर दी। तुम कौन हो देवी? करी मांगो कौन पे, मन में करो विचार, ये बेटा है
प्यारी लो पुचकार लो जो ना पिरो ना लाल की नहीं आज निहारी नहीं ये बेटा मेरा नहीं हो सकता नहीं सबका तो बिछड़ा मिल गया अब का न बिछड़ा मिलन का जल जग से गया रोहित तुम्हारी लाल का अब खड़ी गया देखो पिया तू अपने की सब क्रिया अफसोस सदी अफसोस सद गोपिया ही परमात्मा मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि जहां भी मेरा रोहतास हो और खुशहाल हो मैं रोहतास को अपने इस नेत्रों से मरी हुई लाश को देख रहा हूँ नगाड़ा जिसकी डोरियों पर बाजता था साहत वाणी का सितम अफसोस अब पैदा हुआ बादे खजानी का हाय मुझ कमबख्त की तकदीर ऐसी हो गई मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई अब रहम कर परमात्मा अब रहम कर परमात्मा जिस तरह से हो सके कर जिंदगी का खात्मा बैठे बिठाए आ गया बैठे बिठाए आ गया पैगाम देखो काल का अब आखिरी मुकड़ा दिखा दे मुझको मेरे मेरे मरघट में सो रहो लाल रे कहां ढूंढूं तुझे रोहतास रे ओ आजा आजा हो मेरे लाल रे मेरे मरघट में सो रहो लाल रे और कहां ढूंढूं तुझे रोहतास रे ओ आजा आजा हो मेरे लगेगी नहीं अपार
छुड़ू गया ये कैसे लगेगी नैया। दुनिया वाले मुझसे क्या कहेंगे, ये दुनिया वाले मुझसे क्या कहेंगे रोहतास के हरिचंद तूने कोई दुष्ट कर्म किया है, जब तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई है। मेरे राज में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे क्या अभागा कहेंगे। लेकिन तुझे स्वर्ग में ही जाना था पुत्र, तुझे स्वर्ग में ही जाना था तो मुझसे कहता, मैं तुझे अपने भक्ति की शक्ति से स्वर्ग पहुंचा देता, स्वर्ग पहुंचा देता। लेकिन रोहतास मैं भी अब जी करके क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं रोहतास। सातान हरिचंद सातान, ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है, ये संसार एक झूठा माया जाल है, सत्य की मंजिल बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये कौन, मुझे लगता है मेरा कुलगुरु सूर्यदेव, सूर्यदेव मुझे आगाह कर रहा है कि हरिचंद अभी सत्य की मंजिल दूर है, दूर है। सुनाओ, जब तक मेरा जा रहा तब तक सुकुमार, रोहित मेरा ललन था तो तू अर्धम लीलार, शिव खुरा भंगी कमे मेरा राज सब जाता रहा, तू ही बता इससे बतुन से क्या मेरा नाता रहा, न मैं हूं पिता न ये सुत मेरा, न दुनार है हरिचंद की, काशी में मिटते ही गई बातें ये छुट संबंध की, मुझे घर का टका चाहिए रहे हो बलो, तुम्हें बेटा अमेरिका और नहीं क्या कुछ, सितम हा सितम हा सितम हा सितम। आती जा
कफन सिवाय इसके न और कुछ और मेरे पास है सत्य मानो बचन सत्य मानो बचन तारा तारा तुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं जल भरने के लिए गया था मुझे कुछ याद नहीं और मैंने तुमसे कहा था कि मेरा जल का गड़ा उठवा दूं तारा तुम्हारा बड़ा एहसान होगा लेकिन तुम मुझे ये बड़ी शक्ति बता करके चली आई और मैंने उसी दिन ये गांठ लगा ली थी मैंने कहा था कि ये गांठ किसी समय पर खुलेगी तारा वो वक्त तुम्हारा था और ये वक्त हमारा तू उस दिन की कर और भर गई पानी और मैंने के लिए सौ सौ बार एक नहीं थी कि युक्ति शक्ति आज मैं तुझे युक्ति शक्ति बता रहा हूं और चोट पका तुझ पर पैदा और पैदा न कर देन को और आधी देखार साड़ी यही कर सही सद्धर्म भी रहे और सद्धर्म भी रहे फुल प्रतिष्ठा रहे और ठीक है ना लाओ हे प्रभु बेटा आज मैं तुम्हारे कफन को अपने सर से लपेट लेता हूं बेटा दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है लोगों का गम ये देखा तो मैं अपना गम भूल गया दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है ये संगम है
तेरा गम कितना कम है, लोगों का गम ये देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। अब ऐसा है तुम जब तक सूर अस्त होने के बाद अपने मालिक के यहाँ चली जाना, जब तक तुम इसमें व्यतीत करो समय। और बेटा गया बड़ा बेदर्दी है से है और शक्ति के मठ में है। अब मुझे इसके पुत्र को इसकी गोदी में लेना चाहिए और काशी में जाकर के शोर करना चाहिए कि डाक आ चुकी है और वो बच्चों को खा रही है। हरिशान अपनी पति समझ पत्नी समझ कर इस पर तलवार नहीं उठाएगा, क्योंकि उसकी ये नारी है। अपना काम बन जाएगा, ये आखिरी परीक्षा है मेरी।
देता हूँ। सती के मठ में डाक नाच की है और छोटे छोटे बच्चों को खा रही है। बाबा का सती के मठ में एक डाक नाच की है और छोटे छोटे बच्चों को खा रही है। डाकनी आ गई। हाँ उसको मरवा दो और तुमको भी खा जाएगी। तू ना खाओ। मैं मुझे कैसे खा देगी। भस्म कर दूंगा। भस्म कर देगा। शराब दे दूंगा। भस्म कर दूंगा उसे। मैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। शराब प्या देगा और भस्म कर। वाह भाई वाह वाह वाह। तू डाकिया आया है कि कोई रेडियो है? क्या चक्कर है? कोई खबर मेरी झूठी है? कोई कभी कहता है मैं आदमी में बेच रहा हूँ, कभी कहता है मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी कह मैं भूखा हूँ। बाबा तेने तो आतंक मचा रखो या जा करके देखो। तब तक बात कराओगे जब तक तो बहुत तुम्हें खा जाएगी। सच्ची के मठ में हाँ डाक नाच भी है। बालकन खा रही है। खाती हुई मिलेगी। बाबा मेरी तो लुक्कड़ पे ही दुकान है। लुक्कड़ पे तो जल्दी किसी को भेजो। वो तीनों बच्चा मेरे आगे ही रहे। हाँ देख लो तुम। वो कालू को पहरो। कालू ना कालू से कहो अपने से तुम मरवा उसको। हड़िया हड़िया कालू कौन हड़िया जी कहाँ गया रहा पहरो? मैं अभी अभी शमशान भूमि से आया। शमशान भूमि में सत्य के मठ में सत्य को जो मठ है वहां में ढाकनी ना बैठी और बच्चा ने खा रही है ले जाके शहर से। नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हल्ला मच रहा है दुनिया में सब जगह। हल्ला मच रहा है। ढाकनी आ गई। ढाकनी आ गई। तलवार उठाओ और वहां मार के आओ। ठीक है। काशी नरेश की ये आज्ञा है। तुम्हारे मालिक की आज्ञा है। मार के आओ। जैसी आज्ञा आपकी। हाँ जाओ जल्दी जाओ। मैं जानता हूँ बुढ़ा क्यों नहीं है। वो मेरी रानी तारा है। लेकिन उसको आज मैं अपनी रानी समझ करके उसे छोड़ता हूँ तो मेरा सत्य नहीं नष्ट हो सकता है। क्योंकि मुझसे कहा था कि सत्य की मंजिल दूर है। अब मुझे इसका वध करना है। अपना
हे पति प्रभु की गति मालूम न काई को पड़े है दे सुख में सांस पूरी करूं वो दुखी के न दिल को आओ किया लाई बालक चुरा के कहां से बता लाई बालक चुरा के कहां से बता जो पड़ी लाश तेरे लाई बालक चुरा के कहां से बता ये की तो सच्ची मगर अब तो हर तौर से हुआ बंदी के सर पे एकाकी जुलम तो मैं छोड़ नहीं सकता पति बीनती बस यही है मेरी मुझ करके कदम भेजो मुल्के आदम आपके कर्म हूँ तो बड़ा पद मिले लो झुकाती हूँ सर मारो दोनों
सर जा अवध राजकार हो मांग ले तू परम महाराज क्या मांगू मैं आपसे सब कुछ दीना आप दर्शन करते ही गए मेरे जन्म जन्म के हरिचंद हम तुमसे अति प्रसन्न हैं इसके बावजूद भी आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांगिए। मैं सबसे पहले तो आपके चरण की भक्ति मांगता हूं और जो कुछ ऋषि विश्वामित्र ने किया जब तक भक्त की कसौटी नहीं लगती जब तक भक्त की कसौटी नहीं लगती तब तक वो भक्त भगवान के विलय हो जाता है विलय हो जाता है और जब भक्त नहीं होंगे जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा 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 क्या हर एक समस्या का वो हर एक समस्या का वो समाधान कहाँ होगा हर एक समस्या का समाधान का